गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रोसीड विद द न्यू चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन. द प्रीवियस चैप्टर्स वर डीलिंग विद द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड एंड मीडियन. देखिए, जो प्रीवियस चैप्टर हैं हमारे, जो कि हमने मीन, मोड एंड मीडियन पढ़े हैं, वो सब क्या है, एक सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पूरे डाटा को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, तो वो डाटा कितना रिलायबल है वो डिपेंड, वो हमें कौन बताएगा, वो हमें बताएगा डिस्पर्सन. ठीक है, तो देखिए डिस्पर्सन क्या है, इट इज़ द एक्सटेंट टू विच द वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. अब सबसे पहले इसको अच्छे से समझने के लिए हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा. मीन, मोड एंड मीडियन जिनको क्लियर है वही अच्छे से मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को कर सकते हैं. तो इसीलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है, जिन बच्चों का मीन, मोड, मीडियन क्लियर नहीं है, वो पहले मीन, मोड, मीडियन से रिलेटेड वीडियोज़ देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें. तो देखिए, एवरेज क्या होता है, इट इज़ द सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ वैल्यू इन डिस्ट्रीब्यूशन. एवरेज में हम क्या करते थे, कोई भी सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 5, 10, 15, 20, 25, इन सब का जब हम एक एवरेज निकालते थे तो हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर नंबर आ जाता था और उसी नंबर को हम क्या कहते थे कि यही जो नंबर है वो पूरी की पूरी सीरीज़ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, लेकिन डिस्पर्सन हमें क्या बताता है, देखो मीन, मोड, मीडियन में अब एक तो ये है डाटा 5, 10, 15, 20, 25. एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज़ कोई नंबर है 10, सबसे छोटी वैल्यू है इसके अंदर 10, उसके बाद इसमें आ जाता है 200, फिर इसमें आ जाता है 5000 और इसमें आ जाता है नेक्स्ट 10000. अब अगर हम एक इसका एवरेज निकालते हैं तो डेफिनेटली हमें कोई एक नंबर मिल जाएगा, लेकिन है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ नंबर्स में जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ नंबर्स में वेरिएशन जो है वो क्या है, बहुत कम है. तो जिन नंबर्स में जितना कम वेरिएशन होगा, जो सेंट्रल वैल्यू है उतना ही स्ट्रॉन्गली उसको रिप्रेजेंट करेगी, और जिनके अंदर वेरिएशन ज़्यादा होगा तो सेंट्रल वैल्यू जो है उसको उतना स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी. तो डिस्पर्सन का मतलब होता है कि किसी भी सीरीज़ में जो दूसरी वैल्यूज़ जो हैं वो कितनी एक सेंट्रल वैल्यू से डिस्पर्स है, डिस्पर्स मतलब कितनी फैली हुई है, कितनी कम है या कितनी उससे ज़्यादा है. तो देखिए, डिस्पर्सन इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल वैल्यू फॉल अवे फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, कि जो सेंट्रल वैल्यू मे बी मीन, मोड और मीडियन, तीनों में से कोई भी सेंट्रल वैल्यू हो सकती है. तो जो वैल्यूज़ है, ठीक है ना, डिस्पर्सन हमें क्या बताता है, डिस्पर्सन हमें ये बताता है कि जो बाकी जो दूसरी वैल्यूज़ है सीरीज़ की वो सेंट्रल वैल्यू से कितनी डिस्पर्स हैं, कितनी उससे कम है या कितनी उससे ज़्यादा है. और ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जितना सीरीज़ में वेरिएशन कम होगा, सेंट्रल वैल्यू उसको उतना ही स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट करेगी, डाटा उतना ही ज़्यादा रिलायबल होगा. और जितना वेरिएशन ज़्यादा होगा उसका, अगर हम कोई भी एक सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं तो वो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रिलायबल, स्ट्रॉन्ग डाटा या कोई भी रिलायबल डाटा हम उसे नहीं कह सकते. ठीक है, तो जो मीन, मोड, मीडियन में जो लिमिटेशंस आ रही थी उनको ओवरकम करने के लिए कुछ साइंटिफिक तरीकों का या कुछ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट उनको दिए गए, और वही सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी. देखिए, एक ये ए फैक्ट्री है, ये बी फैक्ट्री है और ये सी फैक्ट्री है. हम यहाँ ये 5 लेबर्स की बात कर रहे हैं, ए फैक्ट्री में भी 5 लेबर्स काम कर रहे हैं, बी में भी और सी में भी. तो यहाँ पे जो मैंने डाटा लिया है ये है वेजेस पेड टू 5 वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज़. ये ए फैक्ट्री है, बी है और सी है. इन तीनों में 5 वर्कर्स को जो वेजेस पे किया जा रहा है उसका डाटा लिखा हुआ है. तो आप ए में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि जो फर्स्ट वर्कर है उसको भी 400 दिया जा रहा है, सेकेंड को भी, थर्ड को, सबको क्या है, सेम है. ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों में ए का, बी का और सी का अगर मैं कोई सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करूं, चाहे मैं अर्थमेटिक मीन करूं, चाहे मैं मीडियन करूं, तो वो मुझे सेम मिलेगी, 400 आएगी. ठीक है, तीनों में जो मेरे पास सेंट्रल वैल्यू आई वो मेरे पास क्या आई, 400. लेकिन अब देखो, अगर मैं ए फैक्ट्री की बात करती हूँ तो देर इज़ नो वेरिएशन, आपको दिखाई देगा यहाँ डाटा में कोई भी वेरिएशन नहीं है, सभी लेबर्स को इक्वल जो है वो वेजेस दिया जा रहा है. ठीक है, अब बी फैक्ट्री में आ जाइए. बी फैक्ट्री की अगर मैं बात करूँ
तो वेरिएशन तो है, लेकिन वेरिएशन अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली बी में वेरिएशन है, लेकिन वेरिएशन उतना ज़्यादा नहीं है, कोई थोड़ा बहुत फ़र्क है। देख सकते हो आप, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 350 और जो लार्जेस्ट वैल्यू है 450, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यही बात अगर हम फैक्ट्री सी में देखें, 50, 75, 400, 725, 750। अब यहाँ आप देखोगे जो मिनिमम वेजेस है, मिनिमम वेज जो है वो है 50 और जो मैक्सिमम है दैट इज 750। तो यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे सकता है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच जो वेरिएशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों सीरीज में सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन आया वो किस में आया, सी में आया। ठीक है, तो ये आपको क्या बताता है, दैट मीन एंड मीडियन डोंट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे अगर आपसे, अगर आप इसको सिंपली इतना देखते हो कि भाई इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है, तो हम सिंपली बोल देंगे कि इसकी जो सेंट्रल वैल्यू है वो 400 है, लेकिन तीनों ही डेटा में जो वेरिएशन है वो अलग अलग है। यहाँ बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं है, यहाँ वेरिएशन है लेकिन थोड़ा है, और सी में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच वेरिएशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो मीडियम, जो सेंट्रल वैल्यू है वो इस सीरीज़ को जो डाटा हमें देगी वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिलायबल होगा, और यहाँ कह सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी हम उसको एक रिलायबल डाटा मान सकते हैं। तो रिलायबिलिटी के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा जो एग्जैक्ट पिक्चर के लिए जो हमें चाहिए वो हमें क्या चाहिए, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो है वो सेंट्रल वैल्यू के कंपैरिजन में किसी भी सीरीज की एग्जैक्ट पिक्चर हमें क्या करता है, शो करता है। अब देखिए डिस्पर्सन जो है हमारे पास वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट डिस्पर्सन और एक होता है रिलेटिव डिस्पर्सन। द मेजर्स एंड डिस्पर्सन विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ द सीरीज, ओरिजिनल यूनिट ऑफ द सीरीज यानी कि जब कंप्लीटली हम किसी भी सीरीज के बारे में, जैसे सपोज कीजिए मैं ये कहती हूँ कि 10 लेबर हैं, ठीक है, और उनको जो हम दे रहे हैं वेजेस उसका एवरेज जो है वो 100 है, तो इस तरह का जो डाटा है वो हमारा कौन सा होता है, एब्सोल्यूट मेजर। क्लियर, उसके बाद आता है रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव मेजर्स में क्या होता है, द मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन विच आर मेजर्ड एज परसेंटेज और रेशियो ऑफ द एवरेज, जिसको हम या तो परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करें या रेशियो के टर्म में एक्सप्रेस करें, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मेजर्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉफिशेंट ऑफ डिस्पर्सन, इसका दूसरा नाम है कॉफिशेंट ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, या तो आपको लिखा मिलेगा रिलेटिव मेजर्स कैलकुलेट करो, या लिखा हुआ मिलेगा कॉफिशेंट ऑफ डिस्पर्सन निकालो। अब बात आती है कि एब्सोल्यूट डिस्पर्सन में हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं और रिलेटिव डिस्पर्सन में हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। देखिए एब्सोल्यूट में हमें कैलकुलेट करना है, हमें जो पढ़ना है वो है रेंज, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंज कर्व। रिलेटिव में, रिलेटिव की जब भी बात आती है तो हमने बोला ना कि इसका नाम क्या है, कॉफिशेंट ऑफ डिस्पर्सन। तो जहाँ पे भी रिलेटिव डिस्पर्सन हो दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द कॉफिशेंट। एब्सोल्यूट में आपने रेंज कैलकुलेट किया, रिलेटिव में हम करेंगे कॉफिशेंट ऑफ रेंज। यहाँ क्वार्टाइल डेविएशन, यहाँ करेंगे कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। मीन डेविएशन, कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड, इसका कॉफिशेंट, ये लॉरेंज कर्व है, और यहाँ क्या निकालेंगे, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन। सो दिस वॉज द थ्योरी ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। देखिए थ्योरी में हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये लगे कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, तो जब हम इनके जो प्रैक्टिकल्स करेंगे ना, जब इस तरह का सब्जेक्ट हो स्टैटिस्टिक्स, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल करने से थियोरटिकल कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ये थी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे रेंज से। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।